माय फ्रेंड, आज हमारे पास आल्टो 800 एक्चुअली इसका कस्टमर का कॉम्प्लेन है, माइलेज प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में फिक्स करवाएंगे इसकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारी गाड़ी में माइलेज डाउन हो जाती, किन किन प्रॉब्लम से हमारी क्या क्या करनी चाहिए, समय से सर्विस क्या क्या करनी चाहिए जिससे कि हमारी गाड़ी में माइलेज प्रॉपरली बने रहे। और सबसे पहले हम चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारी गाड़ी कितनी रन हो चुकी है। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, इग्निशन हमारा ऑन है और हमारी लगभग गाड़ी चली है 40-50 हज़ार तक चल चुकी है हमारी गाड़ी। और इस वीडियो में फिक्स करवाएंगे और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, दिखाते हैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करके गाड़ी को। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली स्टार्ट है और बाहर से भी चेक करवाएंगे और बाहर से देख सकते हैं अभी। और हमारा जो इंजन है वो प्रॉपरली अभी चल रहा है और सिखाते हैं इसमें। सबसे पहले इसका स्कैनर हम हुकअप करेंगे और देखेंगे कोई फॉल्ट तो नहीं है, और लाइव डाटा में भी दिखाएंगे कैसे हमारी लाइव डाटा होनी चाहिए जो माइलेज के रिलेटेड, वो पूरा सिखाएंगे इस वीडियो में। और चलते हैं अंदर फ्रेंड। अभी हम रीड करेंगे इसका ECM, इंजन कंट्रोल पार्ट नंबर हमारा आ चुका है, रीड फॉल्ट करेंगे। फॉल्ट हमारा कोई नहीं, नोट DTC है, वापस करेंगे हम, लाइव डाटा चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या हमको देखना चाहिए जिससे कि हमारी माइलेज पता चल जाए कि माइलेज में क्या प्रॉब्लम आ चुकी है इस वीडियो में। सबसे पहले फ्यूल सिस्टम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, फ्यूल ट्रिम और इंजेक्टर पल्स, ये भी सिखाएंगे पूरा। इंजन स्पीड, आइडल सिखाएंगे पूरा, मैप सेंसर, जो जो रिकॉर्ड रहते हैं वो पूरा सिखाएंगे इसमें क्या क्या हमारे, ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2। और हम ओके करेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें हल्की सी माइलेज है प्रॉब्लम, और इस वीडियो में हम सिखाएंगे किन किन चीज़ों से हमारी माइलेज प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारा कनेक्ट CL क्लीन अभी। और ये शॉर्ट टर्म जो है ये माइनस में वेरी कर रहे हैं जैसे कि कर रहा है, अभी हल्की सी प्रॉब्लम है इसमें। आप देख सकते हैं जो नीचे वाला है 0.546 तक वेरी होना चाहिए ये, और यहाँ से जो पिछले वाला है इसी में प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये लॉन्ग टर्म जो होता है वो सलेंसर की तरफ होती है, जो ये शॉर्ट टर्म होती है ये एक्चुअली हमारा इंजेक्टर फ्यूल एयर फिल्टर इंजन ऑयल ये बाकी सब वेरी करता है, ये माइनस में वेरी करना चाहिए। और यहाँ से जो आप देख सकते हैं फ्रेंड इंजेक्टर पल्स ये लगभग यही वेरी करना चाहिए, 1.9 कुछ दिखाना चाहिए, ये भी 2 कुछ दिखा रही है। इसमें थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, बाद में हमारी माइलेज प्रॉपरली आनी चाहिए। जब आप स्कैनर से आप चेक करोगे ये 1.8 दिखाना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड ये भी 2 से जा रहा है, हल्की सी इसमें फ़र्क है। और इंजन स्पीड देख सकते हो वो प्रॉपरली है, डिजायर्ड आइडल ये है, मैप सेंसर बिल्कुल वर्किंग प्रॉपरली है, इसको भी क्लीन करेंगे। और जो हमारा TP सेंसर है, TP सेंसर 2, TP सेंसर 1, वोल्टेज प्रॉपरली है अभी, ऑक्सीजन सेंसर भी वर्क कर रहा है ठीक से, और दूसरा वाला भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली। और चलते हैं बाहर, दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी गाड़ी में जिससे कि हमारी माइलेज डाउन हो जाती है। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी से बाहर और सबसे पहले हम यहाँ से इसका चेक करेंगे एयर फिल्टर, टोटल बॉडी, स्पार्क प्लग तीनों को बाहर निकालेंगे, मैप सेंसर को क्लीन करेंगे, और जो हमारा पीछे पेट्रोल फिल्टर लगा रहता है उसको भी क्लीन करेंगे। और हमारा कैटी कन्वर्टर वैसे ओके है अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हीं चीज़ों से हमारी माइलेज डाउन हो जाती है। और इनको करेंगे खोल के ले लेंगे और दिखाएंगे इनकी कंडीशन क्या क्या है। और हमारा जो इस माइलेज में सबसे पहले हमारा इंजन ऑयल बिल्कुल प्रॉपरली रहना चाहिए, जैसे कि इसमें भी अगर हमारा इंजन ऑयल ख़राब रहेगा उससे भी हमारी गाड़ी में माइलेज में असर पड़ सकता है, माइलेज डाउन हो जाती है उससे भी, क्योंकि हमारा इंजन जब लोड लेता है उसकी वजह से हमारे माइलेज में, ये भी प्रॉपरली रहना चाहिए। बाकी सभी खोल के ले लेंगे, वो दिखाएंगे एक एक करके कंडीशन क्या है इनकी। अभी हम निकाल रहे हैं इसका एयर फिल्टर बाहर और दिखाएंगे एयर फिल्टर की कंडीशन क्या है फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड एयर फिल्टर की कंडीशन, एयर फिल्टर बिल्कुल चोक हो चुका है, इससे भी हमारी जब हमारा ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा खींचना पड़ेगा, उससे आवाज़ भी हमारी एयर फिल्टर बॉडी से आती है और उसी की वजह से हमारी माइलेज भी डाउन हो जाती है। इसको चेंज करेंगे और निकालते इसको पूरा ये बॉडी बाहर और निकालते टोटल बॉडी, दिखाते टोटल बॉडी की कंडीशन। अभी हमने टोटल बॉडी के तीनों 2 एक 2 10 नंबर के नट और खोल के ले लिए और इसकी कंडीशन दिखाएंगे फ्रेंड। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड वैसे टोटल बॉडी उतनी कंडीशन ख़राब नहीं है, फिर भी इसमें कार्बन लेवल आ चुकी है, और इसको भी क्लीन करके ले लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड
हमारा कार्बन बन चुका है इसमें, इसको भी क्लीन करते हैं और ले लेते हैं साइड में और खोलते हैं इसका मैप सेंसर, दिखाते हैं इसकी भी कंडीशन क्योंकि इसमें रिकॉर्ड रहता है, वे भी साफ क्लीन करवाना। और खोलते हैं, 10 नंबर बोल्ट लगा रहता है इसमें, इसको खोल के ले लेते हैं। हमारा मैप सेंसर खोल के ले लिया हमने, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बहुत बुरी है, इसमें बहुत कार्बन लेवल आ चुकी है क्योंकि जो इसमें एलिमेंट रहता है, जो एयर देखता है, एयर टेम्परेचर सेंसर भी लगा रहता है और इंटेक का बूस्ट भी देखता है, इसको भी क्लीन करके लेते हैं और खोल के लेते हैं। तीनों स्पार्क प्लगों को बाहर दिखाते हैं इनकी भी कंडीशन। अभी हमारे तीनों स्पार्क प्लग आ चुके हैं बाहर, वैसे स्पार्क प्लग की कंडीशन ठीक है, मगर हम चेंज ही करेंगे इसमें क्योंकि ये लगे चंपाइन के, हम दूसरे डालेंगे इसमें क्योंकि ये उतने ठीक स्पार्क प्लग नहीं है, इनको चेंज ही करेंगे। वैसे इनकी कंडीशन ओके है, ये आ गए तीनों स्पार्क प्लग, इनको चेंज ही करेंगे और निकालते हैं इसका पेट्रोल फिल्टर बाहर। और उससे पहले सिखाते हैं, अगर ज़्यादा चल चुकी होगी गाड़ी हमारी 80 से 90 हज़ार तक, और उस कंडीशन में इसके टैपर्ड भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी अभी कम चली है, टैपर्ड भी रिक्वायर्ड रहता है माइलेज में। अगर हमारे टैपर्ड सेटिंग में कोई प्रॉब्लम रहेगी उससे भी हमारी माइलेज ख़त्म रहेगी क्योंकि टैपर्ड अभी हमारी गाड़ी में ठीक है, अगर किसी और में होगी तो उसको टैपर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमारी माइलेज और पिकअप में प्रॉब्लम आ जाती। और निकालते इसका पेट्रोल फिल्टर पीछे से बाहर, फ्रेंड देख सकते हमने पेट्रोल फिल्टर को बाहर खींचा और निकाला, आप देख सकते इसमें क्या गंद निकलेगी, उतना जाम नहीं है पेट्रोल फिल्टर, फिर भी इसको क्लीन करके ले लेते हैं या हम चेंज ही करेंगे वो देख लेंगे। बस यही पार्ट्स होते हैं, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, हमारा मैप सेंसर या हमारी थ्रॉटल बॉडी, इनको क्लीन करना रहता है जिससे कि हमारी माइलेज प्रॉपर ले रहे। और भी होता है, अगर हमारे गाड़ी में क्लच प्लेट डाउन रहेगा उससे भी हमारी माइलेज में फ़र्क आ सकती है। इन पार्ट को क्लीन करके ले लेते हैं और वापस फिट करते हैं, दिखाते हैं फिट करके फिर दिखाएंगे इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस। इन्हीं चीज़ों से हमारी गाड़ी में माइलेज डाउन हो जाती है और पिकअप में भी मसला आ सकता है इन्हीं चीज़ों से। और इनको क्लीन करके वापस फिट करके और दिखाते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस। अभी हम बॉश के स्पार्क प्लग यूज़ करने वाले, हमारी थ्रॉटल बॉडी पेट्रोल फिल्टर पीछे से हमने लगा दिया, अभी हम स्पार्क प्लग इसमें फिट करेंगे, बाद में एयर फिल्टर भी नया लगाएंगे। और इसको पूरा बंद करने के बाद हमारा मैप सेंसर भी लग चुका है, इन्हीं चीज़ों से हमारी माइलेज में प्रॉब्लम आ जाती है। इनको वापस फिट करेंगे और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, दिखाते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस अंदर से, दिखाते हैं फिर लाइव डाटा और करते हैं इनको पूरा फिटिंग। अभी देख सकते हैं फ्रेंड हमारी फाइनल शॉट, हमने एयर फिल्टर नया लगा दिया, स्पार्क प्लग इसमें नया लगा हुआ है, टोटल बॉडी क्लीन की और जो पेट्रोल फिल्टर वो भी क्लीन किया हमने इसमें। और इसी रिलेटेड यही प्रॉब्लम रहती है, हमारी माइलेज इसी से गिर जाती ज़्यादातर। और हमने इस वीडियो में दिखाया आपको क्या क्या, अभी दिखाएंगे वो गाड़ी को स्टार्ट करके और दिखाएंगे अंदर स्कैनर से जो पहले लाइव डाटा हमने चेक करवाया था वो भी दिखाएंगे और करते हैं गाड़ी को भी स्टार्ट। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, सबसे पहले हमारा इग्निशन ऑन रहेगा क्योंकि हमने इसमें थ्रॉटल बॉडी ओपन की है, उसको कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन कैसी होती है, सबसे पहले हम रीड फॉल्ट करेंगे इसमें, ओके करेंगे इसका पार्ट नंबर और जो फॉल्ट क्या बना है वो दिखाएंगे पहले, वही थ्रॉटल बॉडी के रिलेटेड क्योंकि हमने थ्रॉटल बॉडी इसकी खोल दी थी क्लीन करने के लिए। अभी क्लियर करेंगे, क्लियर करने के साथ साथ इसकी कैलिब्रेशन भी हो जाएगी और इसका आइडल बिल्कुल स्मूथ रहेगा। और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, गाड़ी अभी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है और बाहर से भी चेक करवाएंगे, तब तक हमारी गाड़ी गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद दिखाएंगे इसका लाइव डाटा। आप देख सकते हो फ्रेंड हमारी गाड़ी अभी स्मूथ स्टार्ट है और गर्म होने तक इसका थोड़ा वेट करेंगे हम, क्योंकि गर्म होने के बाद ही इसका लाइव डाटा सही से पूरा, क्योंकि जब ठंड गाड़ी में थोड़ा सा इसमें रहता है ज़्यादा तेल जाता है इसमें, क्योंकि गर्म होने के बाद ही इसकी जो प्रॉपरली परफॉर्मेंस है वो आ जाएगी। बाकी यहाँ से हमने पूरा काम कर लिया और पीछे से भी चेक करवाएंगे इसका सलेंसर। आप देख सकते फ्रेंड कितनी हमारी सेट गाड़ी हो चुकी है, पीछे से पानी आ रहा है सलेंसर से, आप देख सकते फ्रेंड यहाँ से हमारा काम बिल्कुल हो चुका है। ये भी एक पॉइंट होता है, यहाँ से पानी देना चाहिए गाड़ी क्योंकि वो प्रॉपरली होती है, आगे उसका कंबशन प्रॉपरली बन जाता है, तब जाके ये पानी पीछे से वाटर वेपर आ जाते हैं। यहाँ से हमारा ओके, अभी दिखाएंगे गर्म करके लाइव डाटा इसका। अभी हम आ चुके हैं लाइव डाटा में, अभी हमारी गाड़ी ETC सेंसर देख सकती है, लगभग ये 150 तक जाएगा, ये जो है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का नीचे सा ETC सेंसर। और जो शॉर्ट टाइम पर ये पहले जो रीडिंग आ रही है यही माइनस में वेरी करेगी, 3, 5, 4 ऐसे वेरी करेगी दोनों, लॉन्ग टर्म भी।
और शॉर्ट और अभी वेवरी, और ये जो 2 पॉइंट दिखा रही है, 2 पॉइंट कुछ दिखा रही है वोल्टेज, ये रीडिंग ये बाद में नीचे जाएगी, ये 1.9 तक दिखाएगी, थोड़ी थोड़ी सी जितनी गर्म हो जाएगी उतनी ये नीचे आ जाएगी। जैसे ही नीचे आ जाएगी इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं हम, बाद में दिखाएंगे जब हमारी गाड़ी गर्म हो जाएगी प्रॉपरली। आप देख सकते हैं फ्रेंड रीडिंग कितनी आ चुकी है, 5 पे 4 पे ये वेरी करेगी अब, क्योंकि इसमें क्लीन जो जो पार्ट हमने किए इसी से माइलेज प्रॉपरली आ जाएगी। और ये भी चेक करना चाहिए जो यहाँ से इंजन स्पीड है ये लगभग 1500 पे अगर RPM इसका करेंगे हम, 1500 पे अगर करेंगे उस वक्त भी ये माइनस में वेरी करनी चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या 2500 RPM पे भी माइनस में वेरी करनी चाहिए। ये 2500 पे उस वक्त भी वेरी करनी चाहिए, अगर इसका 2500 हम RPM बनाएंगे उस वक्त भी ये माइनस में रहना चाहिए, प्रॉपरली माइलेज निकल कर आ जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा लाइव डाटा प्रॉपरली आ चुकी है, यानी कि हमारी माइलेज प्रॉपरली 100% इसमें सेट हो चुकी है जो हमने सिखाया, इसी तरीके से आप करना। बाद में जब गर्म हो जाएगी ये जो है ये इंजेक्टर प्लस ये भी नीचे आ जाएगी खुद ब खुद। बाकी हमारे चैनल पर अगर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना।